हैदराबाद के हबीब नगर पुलिस ने आज प्रेस मीट किया है। प्रेस मीट को संबोधित करते हुए एसओएचओ मधुकर स्वामी ने जानकारी दी है कि पिछले दिनों हैदराबाद के अलग अलग जगह से करीब 11 मोबाइल चोरी हो गए थे, जिसको पुलिस ने मोबाइल के IMEI नंबर से ट्रैक कर उनको बरामद कर लिया। प्रेस मीट के दौरान मधुकर स्वामी ने बताया कि चोरी हुई मोबाइल OLX पर बेची जा रही थी और पुलिस ने IMEI नंबर से मोबाइल ट्रैक कर ये सारे मोबाइल बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि मोबाइल चोर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और पुलिस उनको जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। बताते चले कि SHO मधुकर स्वामी ने खुद अपने हाथों से मोबाइल के मालिकों को बुलाकर मोबाइल सौंप दिया है। एक महीने से तकरीबन 20 कंप्लेंट्स सेलफोन मिसिंग का कंप्लेंट्स आए थे। ये पूरा विक्टिमोज को कंप्लेंट्स को केस रजिस्टर करके उन लोगों का AMEI नंबर सर्च करे थे। सर्च करने के बाद जो कुछ पता चला, जो कुछ फ़ोन्स यूज़ कर रहे उन लोगों को बुला के फोन्स ने सेलफोन्स ने सीज करा था। आज 11 फोन्स जो कुछ यूज़ कर रहे वो आज सीज करे थे। उन लोगों को आज कंप्लेंट पार्टी को आज 11 फोन्स उन लोगों को हैंड ओवर कर रहे हैं। तकरीबन इनका इसका वैल्यू है 1.5 लाख तक रहता है। या पिटीशन रजिस्टर करे, ऑनलाइन पिटीशन रजिस्टर करने के बाद उन लोगों को IMEI ने सर्च करे थे। अगर जो कुछ यूज़ कर रहे उन लोगों को भी पता नहीं है। थोड़े लोग जगदीश मार्केट में, थोड़ा लोग OLX में ये परचेस करे थे, वो भी इनोसेंट पर्सनस है। इन लोगों का थोड़ा घूम गया, थोड़ा फोन्स गिरा लिया, थोड़ा लोगों का चोरी भी हुआ होगा, मगर ये जगदीश मार्केट से OLX में उन लोगों का ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों का परचेज कर रहे हैं। अभी ये थोड़ा पब्लिक को एडवाइस करना है, जो कुछ फोन्स अगर किसे तो भी लिए तो बिल के साथ लेना है। अगर बिल के साथ लिए तो उन भी अगर गलत काम करे बोल के सोच के उन लोगों के ऊपर केस रजिस्टर करना पड़ता। जो कुछ फ़ोन परचेज करना हो तो, अगर सेकेंड हैंड का फ़ोन भी परचेज करना हो तो बिल के साथ परचेज करने के लिए ये पब्लिक के लिए अपील कर रहे हैं। हैदराबाद से मोहम्मद हामिद की रिपोर्ट।